नमस्कार, मैं हूं देवांशी मोइत्रा। मियां खलीफा को कौन नहीं जानता, ये वही मियां खलीफा हैं जिन्होंने पॉर्न इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया था। वो अलग बात है कि अब वो पॉर्न इंडस्ट्री छोड़ चुकी, लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आज भी हड़कंप मचा रही अपने कामों से। सबसे पहले तो मियां खलीफा ने भारत सरकार की आलोचना कर और किसानों का समर्थन कर खूब सुर्खियां बटोरी थी। फिर भारत के लोगों ने इनकी जमकर क्लास लगाई। अब एक बार फिर मियां खलीफा चर्चा में, लेकिन भारत में नहीं, पाकिस्तान में। जी हाँ, बात दरअसल यह है कि पाक सरकार ने मियां खलीफा के खिलाफ एक्शन लेते हुए उनके वीडियोस पर बैन लगा दिया। खबरों की माने तो पीटीए की ओर से स्पोर्ट्स कमेंटेटर मियां खलीफा के अकाउंट पर पाकिस्तान में बैन लगाने का ऐलान कर दिया गया और इसका कोई कारण नहीं बताया। पाकिस्तान में जब मियां खलीफा के फैंस को उनका कंटेंट देखने को नहीं मिला तो उन्होंने ट्विटर पर इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया। फिर क्या था, हंगामा हो गया। और जब मियां खलीफा को अपने अकाउंट को बैन किए जाने की जानकारी मिली तो वो हैरान हो गई और उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया। मियां खलीफा ने ट्वीट में कहा, मैं अब से अपने सारे टिकटॉक ट्विटर पर दोबारा पोस्ट कर रही, ये मेरे उन पाकिस्तानी फैंस के लिए है जो फांसीवाद को मिटाना चाहते। पाकिस्तान में कई सोशल मीडिया यूजर्स ने मियां खलीफा का समर्थन किया और पीटीए की कदम की आलोचना की। यूजर्स ने सवाल किया कि पीटीए का असली काम क्या है, वो उसी पर फोकस रखें। जानकारी देते चले कि मियां खलीफा सामाजिक और मानवाधिकार संबंधी मुद्दों पर बहुत मुखर रहे। उन्होंने फिलिस्तीनियों पर इजरायली हमलों के खिलाफ भी आवाज उठाई। मियां खलीफा ने इस मामले में संयुक्त राष्ट्र पर भी हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने का आरोप लगाया। जानकारी देते चले कि पीटीए द्वारा खलीफा पर लिए गए फैसले का कोई असर नहीं पड़ता दिख रहा है। हालांकि इसने पाकिस्तान में पीटीए के नए अधिकारों को लेकर एक अलग बहस को जन्म दे दिया। वो अब पूरे प्लेटफॉर्म पर बैन लगाने की जगह व्यक्तिगत तौर पर लोगों के अकाउंट पर बैन लगा सकता है। खास बात यह है कि मियां को उनके फैंस का पूरा सपोर्ट मिल रहा है। सोशल मीडिया पर पीटीए की जमकर आलोचना की जा रही। लोगों का यह भी कहना है कि पाकिस्तान सरकार देश के दूसरे अहम मुद्दों को छोड़कर मियां को बैन करने में लगी। आपको जानकारी होगी कि इमरान सरकार लोकतंत्र को आजाद करने के हवाले से आई थी, लेकिन अब अपने विरोधियों का शिकार कर रही। लेकिन इसका पाकिस्तान में जबरदस्त विरोध हो रहा है। अब देखना होगा कि आगे क्या इमरान खान झुकते हैं या फिर बैन जारी रहता है।